ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट आरओआई और आरआई और उससे रिलेटेड जो भी आईसीआई के जो क्वेश्चंस थे या जो सेल्फ एग्जामिनेशन में टेस्ट योर नॉलेज में जो भी क्वेश्चंस दे रखे थे वो अपन ने कर लिए थे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। पहले अपन कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं उसकी आपकी थ्योरी आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग आपका ईवीए, ईवीए कैसे कैलकुलेट होगा। EVA means your economic value added, no PAT, net operating profit after tax minus WACC multiplied by capital employed. Okay, तो पहले अपन बात कर लेते हैं WACC मतलब your आपका weighted average cost. अब cost में आपके पास दो तरह की cost रहेंगी, एक आपका capital employed में रहेगा debt और एक आपका रहेगा इक्विटी। ओके, डेब्ट और इक्विटी का जो भी वेट रहेगा उससे वेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलेगा। नो पैट इज ए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा फ्रेंड्स, इट मीन्स फर्स्ट यू टेक योर, या तो अपन ऑप्शन वन ले सकते हैं, योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से यू माइनस योर इंटरेस्ट, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप माइनस करिए टैक्स, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें आप इंटरेस्ट वन माइनस आपका जो टैक्स रेट है वो ऐड कर दीजिए, जो निकल के आएगा वो आपका रहेगा नो पेट, बराबर। या फिर आप ले लीजिए योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड माइनस योर टैक्स और जो बचेगा दिस इज योर नो पेट। ओके, और नो पेट में और भी बहुत सारे लाइक यू नो दैट एडजस्टमेंट रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले फिर मैं आपको पूरा थ्योरी के बारे में भी समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन पार्ट से आप एक बार समझ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। जस्ट यू टेक योर एग्जाम्पल एंड पेज नंबर 7.8, दिस इज योर पेज नंबर 7.8 एंड दिस इज योर एग्जाम्पल। आप देखिए पेज नंबर 7.8, एग्जाम्पल पेज नंबर 7.8। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर डिवीजन एक्स ऑफ एक्सयू लिमिटेड, राइट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द डिवीजन एक्स फॉर एक्सयू लिमिटेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7,500, डेप्रिसिएशन 2,500, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 1,250, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,000, इन्वेस्टेड कैपिटल 12,500, WACC 8% एंड टैक्स रेट इज, इसका मतलब आपको निकालना है ईबीए। तो ईबीए कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इक्वल टू नो पेट माइनस WACC इनटू कैपिटल। नाउ इन दिस केस व्हाट इज योर इन्वेस्टेड कैपिटल इज 12,500, व्हाट इज योर WACC इज 8%, ये आपका आ जाएगा 12,500 इंटू 8% इज 1,000। अब आपको चाहिए नो पेट, इट मींस नो पेट आप दो तरह से कर सकते हैं, अर्निंग नेट ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड
डेप्रिसिएशन इज 7500, ओके, माइनस टैक्स 30%, इट मीन्स 7500 इंटू 30% इज 2250. सो 7500 माइनस 2250 इज 5250. ये आपका एक ऑप्शन रहा. दिस इज योर ऑप्शन वन. नाउ यू गो टू ऑप्शन टू. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7500. ये भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही था. मैंने गलती से डेप्रिसिएशन लिख दिया ना. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट. व्हाट इज योर इंटरेस्ट? 12500 का 8% इज 12500 का 8% इज 1000. 6500 टैक्स 30%. 6500 का 30% इज 1950. 6500 माइनस 1950 इज 4550. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट. व्हाट इज द इंटरेस्ट? 1000. 1 माइनस पॉइंट सी 700. सो 4550 प्लस 700 आपका आ जाएगा नो पेट 5250. इट मींस 5250 माइनस 1000 और आपका आ जाएगा 4250. सही है सोना फ्रेंड्स. पहला ईबीए का कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ईबीए नो पेट डब्ल्यूएसीसी कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दे रखा है 12500 इंटू 8% इज 1000. अब नो पेट कैसे निकालेंगे अपन? दिस इज योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7500. आप 30% टैक्स पे करिए, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? नो पेट. और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आप इंटरेस्ट करिए 12500 का, देन 6500, 30% आपका टैक्स आएगा 4550. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 1000, 1 एंड 700, उसको ऐड करिए और आपका ये आपका आ गया ईवीए कैलकुलेशन. तो पहले ईवीए कैलकुलेशन में आपको सिखाता हूं और फिर अपन चलते हैं ये इसके सारे डिटेल्स के ऊपर. ओके, वापस से एक बार ईवीए कैलकुलेट करके बताता हूं आपको. जस्ट यू रिफर योर इलस्ट्रेशन टू. इलस्ट्रेशन टू पेज नंबर 7.8. इलस्ट्रेशन टू पेज नंबर 7.8. XYZ Limited provides you with the following financial information as at 31st March 2020. XYZ Limited provides you with the following financial information as at 31st March 2020. Rupees in lakhs, share capital, reserve surplus, long-term trade payable. Additional information provided as follows. Profit before interest and tax is 2202.84. इंटरेस्ट पेड, टैक्स रेट 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42 एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट 6.53. रिक्वायर्ड कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड. इट मींस
स्टेटमेंट शोइंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईबीए ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग ईबीए ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड सही आंसर हो फ्रेंड्स ईबीए आपका रहेगा ईबीए इक्वल टू नो पैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ओके अब आप आ जाइए कि ये कैसे कैलकुलेट होगा पूरा ओके नाउ नो पैट अपन कैसे कर सकते हैं आपको दे रखा है फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 2202.84 टैक्स है 30% 2202.84 into 30% is 660.852 आपका नो पैट आ जाएगा 2202.84 minus 660.852 1541.99 this is your option 1 now you go to option 2 profit before interest and tax all rupees in lakhs only is 2202.84 minus interest 13.48 profit before tax 2202.84 minus 13.48 is 2189.36 minus tax 30% 30% is 656.808 minus 2189.36 1532.552 interest 1 minus tax rate it means 13.48 into 0.7 13.48 into 0.7 9.436 1532.552 plus 9.436 is 1541.99 so
41.99। यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या नहीं फ्रेंड्स, बताइए। दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग ईवीए ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ईवीए आपका होता है हमेशा फॉर्मूला नो पैट डब्ल्यू ए सी सी कैपिटल एम्प्लॉय। अब नो पैट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, नो पैट का ऑप्शन वन है पीबीआईटी, आप ले लीजिए। टैक्स 30% है आपका, वो माइनस कर दीजिए, नो पैट आपका आ जाएगा ये पीबीआईटी माइनस आप इंटरेस्ट कर दीजिए, पीबीटी आएगा माइनस टैक्स कर दीजिए ये आएगा, एंड देन इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट करके करेंगे तो आपका ये आएगा। सही है सर, परफेक्टली क्लियर होना। अब आप निकाल लीजिए अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, वो अपन माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा, ओके। दिस इज नेक्स्ट इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन वाला ही पार्ट कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब अपन को क्या दे रखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, एक तो आपका इक्विटी है, एक आपका डेब्ट है। इक्विटी 981.46 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 1381.62 और लॉन्ग टर्म डेट है आपका 144.44। पहले कैलकुलेशन पार्ट अपन अच्छे से समझ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। 2439.52 ओके। अब इसका आप निकाल लीजिए वेट, कैसे वेट निकालेंगे, 2295.08 डिवाइडेड बाय 2439.52, 144.44 डिवाइडेड बाय 2439.52, ये आपका वेट आ जाएगा 2295.08 डिवाइडेड बाय 2439.52 इज 0.94। दिस इज 0.94, 144.44 डिवाइडेड बाय 2439.52 इज 0.60 ओके। टोटल आपका हो जाएगा 1। Now you multiply by cost. What is your cost of capital? Cost of equity 12.42 cost of capital and 6.53 weighted average cost 12.42 इन 2.94 11.67 एंड 6.53 इन 2.06 0.3918 और टोटल विल बी 11.67.3918 12.06 आपका क्या आ जाएगा 12.07 आप ले लीजिए इसको।
12.07% इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? पहले हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं। इक्विटी, इक्विटी में आपको ये दे रखा है डेब्ट, ओके ये हो गया। देन उसका वेट निकाल लिया, 22295 को डिवाइड किया 2439 से, 144 को डिवाइड किया 2439 से। इनका कॉस्ट अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई किया वेटेड एवरेज कॉस्ट 12.07। तो 12.07% ऑफ व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2439.52 into 12.07% minus 1541.99 1247.54। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ ईबीए चल रहा है। अभी तक अपना क्या चल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ ईबीए। अभी तक अपना क्या चल रहा है फ्रेंड्स? इज ए कैलकुलेशन ऑफ ईबीए। ओके, कैसे स्टेटमेंट शोइंग ईबीए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ईबीए इक्वल टू नोपैट, नोपैट डब्ल्यूएसीसी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नोपैट कैसे निकालना है? नोपैट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन। अब इसका आता है वन बाई वन। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फ्रेंड्स आपके दो तरह के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं। एक आपका होता है डेब्ट, तो डेब्ट का तो आप पीएनएल अकाउंट में लेते हो, डेब्ट का जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो लेते हैं। लेकिन जो इक्विटी का कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल का भी तो कुछ कॉस्ट रहता है ना, ये बोलते हैं वो माइनस करने के बाद अगर आपको कुछ बचता है, अपने जो पैसा बना रखा है उसका कॉस्ट, इक्विटी का जो कॉस्ट है वो भी आप माइनस करिए, उसके बाद अगर कुछ बता तो हम उसको ईवीए मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मानेंगे, उसको हम प्रॉफिट मानेंगे एक्चुअल में। ओके, तो डेब्ट और इक्विटी इनका जो भी वेट रहेगा, उनकी दोनों ये वेट रहेगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट रहेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट को हम माइनस करेंगे तो हमको ईवी आ जाएगा। अब आता है आपका नोपैट। नोपैट, नोपैट के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स कर दो, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, फिर इंटरेस्ट को एडबैक कर दो। कभी कभी क्या रहता है कि सपोज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यू हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट ऑल्सो, इन पी एंड एल अकाउंट यू हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट ऑल्सो। जैसे सपोज पी एंड एल अकाउंट है, ये आपका पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड है, ये आपका पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये लोग बोलते हैं कि भाई आपकी 100 रुपए की कोई एसेट्स है बराबर, और आप बोलते हो उस पर 10% डेप्रिशिएशन है, तो 10 रुपीज डेप्रिशिएशन आपका हो गया। लेकिन एंड ऑफ द ईयर में सपोज उस एसेट्स का वैल्यू है 80, तो एक्चुअल में डेप्रिशिएशन जो इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है वो क्या होना चाहिए? 100 माइनस 80, आपको इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन क्या आना चाहिए? 20। आपका जो इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है वो क्या आना चाहिए? 20। लेकिन आपने डेप्रिशिएशन कितना, आपने डेप्रिशिएशन चार्ज कर रखा है ओनली 10, जबकि डेप्रिशिएशन आना कितना चाहिए? आना चाहिए 20। तो ये बोलते नहीं, डेप्रिशिएशन को, इस डेप्रिशिएशन को आप ऐड करिए, और जो इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है, जो इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है, जो आपका इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है उसको आप माइनस करिए, जो भी आपका इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन है उसको माइनस। अभी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आप अभी कभी कभी अपने को टैक्स बेनिफिट लेना रहता है तो हम लोग 100% उसको माइनस कर देते। ये बोलते भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सपेंसेस है उसका बेनिफिट तो आपको बहुत सारे सालों में मिलेगा, फ्यूचर ईयर में, उसको वापस से आप एडबैक कर दीजिए। वो
अब आपने कोई लेबर है, लेबर को कोई ट्रेनिंग दिया, वो ट्रेनिंग का बेनिफिट तो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। लेबर के अगर ट्रेनिंग पे कोई आपका एक्सपेंसेस आपने किया है उसको वापस से एड बैक कर दीजिए। जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दीजिए, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उसको आप माइनस कर दीजिए। कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर आपने डेबिट किया है उसको भी आप प्लस कर दीजिए। तब जाके जो आपका नो पेड निकलेगा, नो पेड में आप एडजस्टमेंट करिए और वो कर दीजिए करिए। ओके, अब आप देखिए जरा पेज नंबर 7.7 पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखो जरा पेज नंबर 7.7 डीकेसी का जो मॉड्यूल है, आईसीआई का मॉड्यूल है, उसका पेज नंबर 7.7 आप जरा देखिए। मिला फ्रेंड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जोल स्टैंड एंड वेनेट स्टीवर्ट द फाउंडर ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड कंसल्टिंग फर्म, जो उनका फर्म है, ड्यूरिंग 1990 प्रमोटेड द ईवीए। ईवीए इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम दैट एम्स टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द अदर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर which are based upon accounting profit. The major shortcoming of relying upon accounting profit include profit ignore the cost of capital. मैंने आपको बताया था कि P&L account में हम only interest लेते हैं, लेकिन कौन सा interest लेते हैं? Only on debt. जो equity का interest है वो भी तो आना चाहिए ना, वो हम लोग नहीं लेते। Profit ignores the cost of equity capital. Companies only generate wealth when they generate a return in excess of the return required by providers of capital. Both equity and debt in the financial statement, the calculation of profit does take into account the cost of debt finance but ignore the cost of equity. Profit calculated in accordance with the accounting standard do not truly reflect the wealth that has been created and are subject to manipulation by accountant. As an alternative to the accounting profit is economic profit and EVA is major economic profit. Economic value added is a measure of economic profit. Economic value added is a calculated as the difference between net operating profit, NOPAT, and the opportunity cost of invested capital. The opportunity cost is determined by multiplying the weighted average cost of debt and equity capital WACC and the amount of capital employed EVA equal to NOPAT minus WACC into capital, where NOPAT means net operating profit after tax. This profit figure shown profit before taking out the cost of interest. Two approaches to adjusting for the interest rate are taken, jo maine aapko bataya. Start with the operating profit, then deduct the adjusted tax charges. The tax charge should be adjusted because it includes tax benefit of interest. Since interest is a deductible item, having interest in the income statement means that the tax charges is lower. Since we are taking the cost of interest out of income statement, it is also necessary to remove the tax benefit of it from tax charges. To do this, multiply the interest by tax rate and add this to tax charge, or start with profit to tax and add back the net cost of interest. This is the interest charge multiplied by, वो मैंने आपको दोनों सिखाई दिए। अब फ्रेंड्स आप टेस्ट योर नॉलेज पर आ जाइए, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूं उसके टेस्ट योर नॉलेज पर आप आ जाइए। Economic value added, okay? Just you refer your question number 3 and test your knowledge में से है friends, and page number 8.4 है। X Greetings is a Korean company based on committed to supplying the highest quality of stationery, greeting cards,
गिफ्ट एंड चिल्ड्रंस प्रोडक्ट विच आर सोर्स्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कंपनी ऑल्सो इंस्ट्रीब्यूट संडे पेपर कोरियन मेड इको फ्रेंडली स्टेशनरी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन शॉर्ट. एक्स होम करेंसी इज ए KRW एंड इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन KRX लास्ट 20 ईयर्स. इट्स करेंट शेयर प्राइस इज 23.25. करेंट शेयर प्राइस क्या है? 23.25. यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द एक्स ग्रीटिंग एंड डायरेक्टर्स हैव आस्क्ड यू टू स्टडी एक्स ऑन वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट विच इज ए डिफरेंट अप्रोच टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. द डायरेक्टर्स हैव हर्ड अबाउट मिस दिस मेथड कंसिडरिंग इट इन ए वे टू फोकसिंग ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो दे थिंक इट इज टू बी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्स. कन्वेंशनली EPS अर्निंग पर शेयर एंड द शेयर प्राइस वर बींग यूज टू असेस द परफॉर्मेंस. द प्रपोज चेंजेस आर इम्पोर्टेंट एंड द डायरेक्टर्स रिक्वायर यू टू हैव द इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू एनालिसिस एंड ऑल्सो वॉन्ट टू कन्विंस द मेजर इन्वेस्टर फॉर द फ्यूचर बेनिफिट. फाइनेंशियल डाटा आपको दे रखे. Assess the performance of X greeting using economic value added and analyze the result relative to those of earning per share and share price. Assumption if any should be clearly stated. देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं friends. This is given. सबसे पहले अपन निकालते हैं स्टेटमेंट शोइंग EPS, क्योंकि उनका EPS का भी है ना. Assess the performance of X greeting using economic value added and analyze the result relative to those of earning per share and share price. तो पहले earning per share लेते हैं. earning per share क्या होता है? It means आपका year है 2021. क्या प्रॉफिट है आपका? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 55.55 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 3.2. 55.55 डिवाइडेड बाय 3.2 इज 17.36 एंड 2019 एंड 20 आपका क्या था? 65.38 डिवाइडेड बाय 3.2 मिलियन शेयर. 65.38 डिवाइडेड बाय 3.2 20.43 का आपका प्राइस था, वो आपका प्राइस हो गया 17.36. 20.43 माइनस 17.36 इज 3.707 माइनस में ये आपका कम हो गया भाई 3.07 और परसेंटेज फॉर्म में अगर अपन लेते तो डिवाइडेड बाई 20.43 इंटू 100. 3.07 डिवाइडेड बाई 20.43 इंटू 100 इज 15.02% से कम हो गया आपको. ओके तो ये सबसे पहला क्या हो गया फ्रेंड्स? योर स्टेटमेंट शोइंग EPS 2021 ये आपका हो गया लास्ट ईयर का, तो 17.36. 1920 का ये आपका हो गया 20.43. 17.36 ये कम हो गया इसमें से और आपका टोटल कम हो गया 15.02. ओके दूसरा आप आ जाइए कि आपका रिटेलिंग सेक्टर में इंडेक्स क्या बोल रहा है. इट मींस
आपका ये इंडेक्स बोल रहा है शेयर का, इंडेक्स क्या बोल रहा है, रिटेलिंग सेक्टर इंडेक्स, पहले आपका 1408 था, अब आपका हो गया 1155। इट मीन्स आपका 1408 - 1155 इज 253 डिवाइडेड बाय 1408 × 100। इट मीन्स 253 डिवाइडेड बाय 1408 × 100 इज 17.97% इंडेक्स। थर्ड आप आजिए स्टॉक मार्केट ऑफ ऑल शेयर इंडेक्स, दिस इज स्टॉक मार्केट फॉर ऑल शेयर। स्टॉक मार्केट फॉर ऑल शेयर क्या था, 2561 - 1985 is 576 divided by 2561 × 100. It means 576 divided by 2561 × 100 is 22.50%। और लास्ट आप आ जाइए शेयर का प्राइस, इट मीन्स योर शेयर प्राइस, आपका शेयर प्राइस है 24.40 - 22.50। इट मीन्स 24.40 - 22.50 इज 1.9, एंड 1.9 डिवाइडेड बाय 24.40 × 100, एंड दिस कम्स टू 7.78। उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स आपका मेन जो है, इट मीन्स स्टेटमेंट showing EVA। इसके बाद आप आजिए EVA, इट मीन्स NOPAT माइनस WACC × कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो आपका बचेगा दैट इज योर EVA। ये आपका क्या आ जाएगा EVA। तो पहले 2019-20, 2020-21। अब NOPAT आपको दे रखा है, NOPAT आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50.55, और इसमें आपका एडबैक हो जाएगा, इसमें आपका एडबैक हो जाएगा इंटरेस्ट 1 - टैक्स। व्हाट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, योर इंटरेस्ट अमाउंट इज 15.6। व्हाट इज द टैक्स रेट, इट मीन्स 15.6 × 0.7 इज 10.92। ओके, ये कभी का है, 2020-21 और 2019 and 20। 1920 का क्या हो जाएगा, 65.38। ओके, व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट इज 8 × 0.7
5.6, सो 65.38 प्लस 5.6 70.98, 55.55 प्लस 10.92 66.47। सही है, सुनो फ्रेंड्स, सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन एट एंड 66.47 माइनस। नाउ व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट आपको दे ही रखा है, इसके लिए यू रिफर नोट नंबर वन। नोट नंबर वन 19, 20, 20, 21 इक्विटी डेट, इक्विटी डेट कैपिटल स्ट्रक्चर डेट एंड इक्विटी 0.4 डेट, 0.6 इक्विटी, 0.4 debt both the year, 0.6 equity. Then you take cost. Cost 6% pre-tax है, हाँ ध्यान रखना, 6, 70% ना, 4.2 because pre-tax है, और ये 11.5, यहाँ पे है 14.2 एंड 8 का 70% 5.6 वेटेड एवरेज कॉस्ट 11.5 × 0.6 6.9 4.2 × 0.4 1.68 6.9 + 1.68 8.58 14.2 × 0.6 8.52 5.6 × 0.4 2.24 8.52 2.24 10.76 8.58% and this is 10.76% 10.76% So yes or no? Percent and your capital employed. अब capital employed में हमेशा अपन क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लेंगे, क्योंकि उसी पे ही तो हमने ये पैसा कमाया है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा उसी के ऊपर तो हमने ये पूरा पैसा कमाया है। तो व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 273.58 एंड 198.40 आपका ये आ जाएगा 273.58 × 8.58% माइनस 70.98
इसका कॉस्ट है 11.5, ये है आपका 1920, ये है आपका 2021, 1920 8.58% है, ये है आपका 10.76%। सही है सर। So, 273.58 into 8.58% minus 70.98. And आपका capital employed है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को लेना है, ओपीटल ओपी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 198.4 एंड 273.58। सो 198.4 × 8.58% माइनस 70.98, 53.96 273.58 इंटू 10.76% माइनस 66.47 इज 37.03। ओके, अब आप आ जाइए वन बाई वन आंसर आप देखिए पेज नंबर 8.49 पे, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा आप जरा देख लीजिए। राइट, कन्वेंशनली द एक्स ग्रीटिंग कंसीडर्ड ईपीएस एंड शेयर प्राइस एज ए परफॉर्मेंस मेजर, बट मैनेजमेंट हैज शोन इंटरेस्ट इन यूजिंग ईवीए एज ए परफॉर्मेंस मेजर। नाउ EPS, the performance of X greeting has gone down since earning per share down by 15.03. इसको 15.03 कर लो आप, इन्होंने अपन ने 02 लिया है। This indicates that the company not performing well and it is in the favor of invest, it is not in the favor of investor to continue with their investment in X greeting or invest further. हमारा जो ईपीएस है वो कितने से कम हो रहा है, 15.03 से। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, ना तो वो नया इन्वेस्ट करेंगे, बराबर। फिर अब आप आ जाइए आपका शेयर प्राइस इंडेक्स। हाउएवर द शेयर प्राइस इंडेक्स सीम्स रिलेटिवली बेटर देन ऑफ द सेक्टर स्टॉक मार्केट एज ए होल, द शेयर प्राइस एक्स ग्रीटिंग 7.79 इन कंपेरिजन टू 17.97 डिक्लाइनिंग इन द रिटेलिंग सेक्टर 22.5 कर दिया है अपने, डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स, द सेक्टर कंपेरिजन इज रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रीडिंग रेदर देन स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रीडिंग एक्सेप्टेबल बिकॉज registered comparatively less restricting market. This implies that the within relating to sector X greeting is seen as a company with
बेटर प्रोस्पेक्ट एंड विल एनकरेज द शेयर होल्डर टू कंटिन्यू टू होल्ड देयर शेयर इन द कंपनी ईबीए. एक्स ग्रीटिंग हैज जनरेटेड पॉजिटिव ईबीए 37.03 इन 2020-21 एंड सेम इज लेस देन 53.96. नो डाउट ईवीए फॉल्स बाय अराउंड 31% ओवर ए ईयर बट स्टिल पॉजिटिव मींस वैल्यू इज जनरेटेड हेंस परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल. टू कंक्लूड इवन इन द बियरिश मार्केट एक्स ग्रीटिंग इज कैपेबल टू जनरेट वैल्यू ऑफ फंड प्रोवाइड इंक्लूडिंग शेयर होल्डर हेंस परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रीटिंग इज एक्सेप्टेबल कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ईबीए वाला जो कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नो पैट कैसे ले लिया अपन ने? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट 1-टैक्स जो मैंने सेकंड ऑप्शन आपको सिखाया था ये आपका आ गया 66.47 आपका आ गया, ये आपका 70.98 आपका आ गया. अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में 10. ये इसका है 8.58 इसका है 8.58 ये ले लिया 10.7 कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेंगे. हम लोग ऑलवेज क्या लेंगे? वी विल ऑलवेज कंसिडर द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. वी विल ऑलवेज कंसिडर द ओपनिंग क्योंकि उसके ऊपर ही तो हमने पूरे साल में पैसा कमाया. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कंसिडर करेंगे. सही है सर? फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर होना. बहुत ही आपको एक बेहतरीन एक क्वेश्चन कराता हूं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 7.51. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 7.51 और ये कंटिन्यू होगा 7.52 के ऊपर. ठीक है, अब देखिए जरा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूं आपको ना. वाटर यूटिलिटीज सर्विसेज WS is established with the aim for supply and distribution of water in Mumbai as well as a supply for water to the various local authorities for distribution to villages and other small cities and to Mumbai. This involved planning, operating, treating, maintaining and distributing water resources in the country, urban center and other areas. Mandated by Maharashtra government, its mission to provide sustainable water in a cost-effective and environmental-friendly manner to the economy. The government ensures that WS does not take advantage of monopoly position in the regional area by increasing the price. Government ko apna control rakhna hai uske upar. The government controls majority of services through its water regulatory body, which determines at an acceptable margin level ROCE, return on capital employed, and ensures that the pricing of WS within these areas does not break this level. The remaining work, a water bottle operation, WBO, is not regulated by government. उस पर WBO पे जो वोटर वोटल ऑपरेशन है उस पर कोई गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है. एंड WS charges a market rate for water supply in bottle. The regulator compute return on capital employed ROCE of WS based on its own valuation of capital assets which are used in the operation and the profit from those services. Acceptable level of ROCE set by the regulator is 7%. इसका मतलब WS max to max कितना return on capital employed कर सकती है? 7%. If WS breach this level, then the company would be penalized. WS board is trying to improve the performance for the benefit of the shareholder in order to communicate the objective of maximizing the shareholder wealth. The directors have decided to consider economic value added as the key performance indicators. आपको revenue दोनों division का total दे रखा, operating cost, operating profit, finance, means interest charges, profit before tax, less tax,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑडिटेड अकाउंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड 2021-19-20 डिटरमाइंड बाय रेगुलेटरी WDO ओनली. ओपनिंग कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अदर कैश आइटम. इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज 166 इन 2020-21. इन FY 19-20 इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर एज्यूम्ड टू बी सेम. करेंट ईयर टैक्स पेड 18 एंड डिफर्ड टैक्स पेड 16.8 क्रोर्स बीन एडजस्टेड. देर वर नो डिफर्ड टैक्स बैलेंस बिफोर 2021. द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 9 क्रोर्स इन 2021 बैलेंस. रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन नॉन कैपिटलाइज. इट बिलोंग्स टू ए न्यू प्रोजेक्ट दैट विल डेवलप ओवर 5 ईयर्स एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी 2020-21 इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी 14 डेप्ट 6% प्री टैक्स. गियरिंग ऑफ इक्विटी 45% डेप्ट 55%. इवेल्युएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ WS यूजिंग EVA. Assess the whether WS comply with its acceptable ROC means return on capital. Advice on how to improve the profitability. Evaluate the financial performance of WS. Okay, iska matlab kya ho gaya friend? This is your statement. Statement showing EVA. Go in the same format. Okay, go in the same format. Now, what is EVA equal to NOPAT? WACC into capital employed. Say yes or no. Okay, इसके लिए आप ले लीजिए नोट नंबर 2 और इसके लिए आप ले लीजिए नोट नंबर 1. भाई आपका EVA निकल के आ जाएगा. ओके नाउ अब आप आ जाइए नोट नंबर 1. क्या दे रखा है आपको नोट नंबर 1? Statement showing NOPAT. Okay. Operating profit. अब देखो आपको operating profit क्या दे रखा है. 162 दोनों का मिला के 95 प्लस 67 ऑल फिगर्स इन रुपीज इन CR इज 162. लेकिन दिस इज नॉट ए करेक्ट. ओके कुछ अपने को ऐड करना पड़ेगा और कुछ अपने को लेस करना पड़ेगा. ओके अब ऐड में आपका क्या क्या आ जाएगा राइट. ये अपन बात कर रहे हैं 2020 and 2021. तो 2021 में आपने क्या किया है डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन इज 118. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिस इज योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा. 4 एडजस्टमेंट में दे रखा है एडजस्टमेंट नंबर 1
ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐड करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24 एंड अदर नॉन कैश इज 40। ओके, आप देख लीजिए क्या क्या आपने ऐड किया है। इट मीन्स नॉन कैश आइटम्स आपका 14, देन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 118 एड बैक, डाउटफुल डेट्स 4 एड बैक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 20। अब लेस क्या क्या होगा, एक आपका इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था ना इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, दिस इज 166। उसके अलावा जो टैक्स पे किया है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, टैक्स पेड इज 18। आपने जो टैक्स पे किया है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, टैक्स पेड इज 18। सही है सुनो फ्रेंड्स, टैक्स पेड इज 18, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन टैक्स पेड इज 18 एंड देन यू माइनस योर इंटरेस्ट, आप माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट आपने पे किया है फाइनेंस चार्जेज इज 46। बराबर, ये आपका आ जाएगा 162, 118 + 4, 24 + 14 - 166 - 18 - 46 = 92 and interest 1 minus tax, interest आपका है 46.1 minus, what is the tax rate, what is our tax rate, our tax rate is a 30%, tax rate अपन को दे रखा है 30%, it means 0.7, 46 into 0.7 is 32.2, so 92 plus 32.2 is 124.2, ये आपको क्लियर हुआ, फ्रेंड्स बताइए आप, स्टेटमेंट शोइंग नो पैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लिया हम लोगों ने दोनों डिवीजन का, WUS और WBO, डेप्रिसिएशन एडवेक कर दिया, प्रोविजन फॉर डेट्स एडवेक कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवेक कर दिया, अदर नॉन कैश एडवेक कर दिया, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स पेड माइनस किया, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को वापस से एडवेक कर दिया, ये 124.2 हमारा आ गया, 124.2 हमारा आ गया ये। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मींस नोट नंबर 2 इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड, और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हम हमेशा क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मींस 2019 and 20, 1495। लेकिन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में वी हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट ऑल्सो, एक बैड डेट्स, अगर हम बैड डेट्स को पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा ना, अगर हम पीएनएल लॉस नहीं दिखाएंगे तो हमारा एसेट बढ़ेगा ना, है ना। हमने क्या एंट्री पास किया होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं बराबर, और रिवर्स करेंगे पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहला आपका आएगा
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी तक के हमारे डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 9, और इस साल का प्रोविजन है 4, इसका मतलब ओपनिंग में रहा होगा 5। प्लस अदर नॉन कैश आइटम्स आपको दे ही रखे हैं, अदर नॉन कैश आइटम्स आपको दे रखे हैं 12। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1,495 + 5 + 12 = 1,512। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1,512। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1,512। अब आप निकाल लीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, ये आपका डेब्ट, ये आपका इक्विटी, ये आपका डेब्ट, ये आपका इक्विटी। इक्विटी आपका 0.45, डेब्ट आपका 0.55, ये आपका 1, ये आपका कॉस्ट। इक्विटी का कॉस्ट 14%, डेब्ट का प्री है, हाँ ध्यान रखना, तो 6 का 70%, 4.2 टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना अपने को। अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट हो जाएगा इस 4.2 × 0.55 = 2.31%, 14 × 0.45 = 6.3%। इट मीन्स 2.31 + 6.3 = 8.61। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 8.6। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? डेब्ट आपको दे रखा है, इक्विटी आपको दे रखा है, डेब्ट आपका 0.55, इक्विटी आपका 0.45, इक्विटी 0.45, ओके। इक्विटी का कॉस्ट दे रखा है 14%, डेब्ट का 6, लेकिन 30% आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, 4 × 4 = 2, इट मीन्स 2.31, और ये आपका, ये टोटल आपका 8.61। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे ही रखा है 1495, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 9, और इस साल हमने किए हैं 4, इसका मतलब 5 लास्ट ईयर क्या होगा, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड नहीं है, इसका मतलब आपका ओपनिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ जाएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, रिवर्स करेंगे एंट्री को तो बढ़ जाएगा, ऐसे ही नॉन कैश आइटम्स को अगर हम रिवर्स करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या हो जाएगा, 1,512, एंड हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहा है 8.61%। सो 1,512 × 8.61% −124.2 आपका आ रहा है 5.98, −5.98, दिस इज योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, −5.98। ये हम लोगों ने नो पैट वाला आपको समझ ही गया, हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया दोनों डिवीजन का मिला के, जो नॉन कैश डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर नॉन, इकोनॉमी, टैक्स, ये सब माइनस करके और आपका ये वैल्यू आ गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा ये निकल के आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंटली WUS इज डिस्टॉर्टिंग वैल्यू, इट इज नॉट एबल टू मीट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इट्स ओन कैपिटल, दिस पुट द कंपनी इन टू द क्वेश्चन और परपेक्चुअल सेशन एंड लीड द कंपनी अगेंस्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, द रीजन कुड बी हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ WUS, द इन्वेस्टिंग रिस्क कुड बी low since 75% of the services that the company rendered are important for the economy and demand
इज गारंटीड इन फ्यूचर। ऑप्शनली डब्ल्यू एस नीड टू ईदर इंक्रीज नो पैट एनफ फॉर ब्रेक इवन और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और स्लेस इट्स कैपिटल बाय सेलिंग यूटी अंडर यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज एसेट्स। या तो उसको अंडर यूटिलाइज एसेट्स को वो करना चाहिए। ओके अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, रेगुलरिटी आर ओ सी ई टारगेटेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 95। देखो जरा क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 95 और आपका एसेट्स एम्प्लॉयड है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 1422। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 1422, आपको आ रहा है 6.68। द आर ओ सी ई इज विद इन, गवर्नमेंट ने बोला है कि मैक्सिमम आप 7% ले सकते हो और हमारा आ रहा है 6.68%। हमारा आ रहा है 7% तक ले सकते हो और हमारा आ रहा है 6.68%, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपरेटिंग मार्जिन है 95/555। ओके और बोटल डिवीजन का है, बोटल डिवीजन का है 67/186 × 100 × 100। ये इट मींस 95/555 × 100 इज 17.11% और 67/186 × 100 इज 36.02%। एडवाइस, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ डब्ल्यू बी ओ इज 36.02 कंपेयर टू 17.12। डब्ल्यू यू एस मे यूज द डब्ल्यू डी ओ एक्टिविटीज एज ए ट्रस्टेड सोर्स ऑफ कैश प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट इन एक्सपांसन ऑफ द डब्ल्यू बी ओ, एक्सपांसन थ्रू एक्वाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट नॉन रेगुलेटेड बिजनेस यूजिंग द कैश जनरेटेड बाई रेगुलेटेड एक्टिविटीज माइट बी गुड डिसीजन। फर्दर डब्ल्यू यू एस मे इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग एसेट्स विद इन द डब्ल्यू डी ओ एक्टिविटीज थ्रू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। द रेगुलेटरी बॉडी कैनॉट आर्ग्यू दैट कंपनी ओवरचार्जिंग इट्स कस्टमर टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। दिस इज पॉसिबल थ्रू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सपेंसेस एंड यूजिंग कॉस्ट सेविंग टेक्निक थ्रू efficiency improvement. In order to control cost within WDO, targets should be based on minimal variances and adopting cost cutting method. Overall, is WDO, there is only limited scope for increase in the operating profit since the maximum operating profit allowed is 99.547%, 1422 crore of capital employed. Thus, WUS should go to expand its WBO as a producing higher. देखो WBO में तो हम बढ़ा नहीं सकते, आपका जो WUS डिवीजन है उसमें हम प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मैक्सिमम अलाउड है 7%। हम कहां पे बढ़ा सकते हैं, WBO वाटर बोटल डिवीजन मैं हम लोग बढ़ा सकते, तो वहां पे हमको ट्राई करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, दैट्स इट। ओके तो आप थ्योरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।